हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों के साथ मेरा तीज मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है जो कि आएगा थ्री टू तो फोर डेज़ बाद इस वीडियो को जाने के बाद क्योंकि भी मेरे पास तीन से चार वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे हैं कुछ स्पेशल अब आप समझ लीजिए कुछ स्पेशल है सो so, उस सबसे पहले मैं उस वीडियो को शेयर करूँगी इसके बाद सो so, बातें हो गई बहुत सारी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर sure मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब किए हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सो so, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर टोनर लगा रहे हैं टोनर के लिए मैंने यहाँ पर मेरा फेवरेट टोनर लगाया हुआ य है वॉइस स्किन साइंस का कोकोनट वाटर Toner. इसके बाद मैंने मेरा फेवरेट सीरम लगाया हुआ है जो कि है लोरियाल पेरिस वन पॉइंट फाइव परसेंट हाइलोरॉनिक एसिड सीरम इससे हमारा जो है आ, फेस काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज हो जाएगा आपको पता ही है हाइलरॉनिक एसिड हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हाइलरॉनिक एसिड हमारी स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होता है बट आफ्टर ट्वेंटी ड्यू टू इस्ट ड्यू टू एज हमारी स्किन से डिप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा फेस जो है वो काफ़ी रूखा सूखा बेजान हो जाता है है तो जब हमें नेचुरली नहीं मिलता तो हमें टॉपिकली लेना पड़ता है इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए सीरम को इसके बाद मैंने यहाँ पर मैक बेन मैक बेनिफिट व मैक बेनिफिट मतलब दोनों बेनिफिट का मैंने आईब्रो पोमेट लिया हुआ है ब्रो पोमेट तो उसकी हेल्प से मैं मेरी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ काफ़ी लॉन्ग स्टे करती है इसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ मतलब और मेकअप जो भी है काफ़ी सिंपल सा मैंने मेकअप रखा हुआ है स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया बस अगर आपका ना मेकअप सिंपल है तो आप लिपस्टिक बोल्ड लगा लीजिए आप देखेंगे कि कितना प्यारा मेकअप आपका उभर के आता है चूड़ा अच्छा लग रहा है ना मुझे भी अच्छा लग रहा है सो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस चूड़े को मैंने मीसो से मंगाया था वीडियो जल्दी आएगा माई वेंगल कलेक्शन करके 2021 का इसके बाद मैं यहाँ पर मेरा बेनिफिट का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमरी यूज कर रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि मैं काफ़ी लाजवाब दिखूँ तो उसके लिए मैंने इसे लगाया हुआ है और ये हमारे पोर को मिनिमाइज़ कर देगा जिससे पसीने की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा मेकअप लॉन्ग स्टे करेगा तो कमेंट करा कि नहीं आपने लाइक like करा कि नहीं आपने जल्दी जल्दी से करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे सिक्स हंड्रेड के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ आप लोग मिशन सिक्स हंड्रेड के सब्सक्राइबर सो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मैक का फाउंडेशन hmm, लगाया हुआ है अच्छा मैं जल्दी गिव अवे करने वाली हूँ अच्छा जो मैंने गिव अवे किया था वेस्टलिन वाला उसमें से किस किस को प्रोडक्ट मिला किस किस को नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं फाइव टू सिक्स लोगों को मिल गया है उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर दिया हुआ है अभी थ्री टू फोर जन है शायद वो इंस्टाग्राम पे ना हो तो यहाँ कमेंट करके बता दें आपको मिला कि नहीं मैंने मेरे कम्युनिटी में विनर अनाउंस किया हुआ है तो आप देख लीजिए आपका उसमें नाम है कि नहीं है और हाँ मैंने जिस दिन गिव वे क्लोज हुआ था उस दिन भी मैंने बता दिया था क्योंकि यह गिवे वे मैंने लिमिटेड टाइम के लिए ही रखा था मैंने नहीं ब्रांड ने रखा हुआ था इसके बाद अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ का गिब वे आने वाला है कम से कम एक इंसान को नहीं कुछ तो थ्री टू फोर थाउजेंड का सामान मिलने वाला है मैं फाइव गिव अवे विनर रखूंगी तो उस चीज़ के लिए मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं जल्दी गिव अवे अनाउंस करूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मैंने अच्छे से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड किया इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ कंसीलर के लिए मैं, मैंने मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है लोरियाल का ट्रू मैज कंसीलर एज अ आई शेडो प्राइमर तो सबसे पहले कंसीलर लगाए इसके बाद अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हेल्प से ब्लेंड कर लिया तो आप इस साइज़ इस साइज़ में अंतर देख ही सकते हो जब आप चाहते हो कि आपका आई शेडो उभर के आए तो मेक श्योर sure आप कंसीलर लगा लें ऐसे ही मैं मेरे दोनों आईज़ पे लगा ले रही हूँ लगाइए तुरंत ब्लेंड कर लीजिए इसे ड्राई पैचेज नहीं आएंगे और आपका आई शेडो काफ़ी फ्लॉलेस लगेगा अच्छा हाँ मैं क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कोई आ, हैवी आई शेडो नहीं लगाने वाली बस एक सिंपल सा सेप दूँगी एक ऑरेंज कलर से लाइट ऑरेंज कलर से इसके बाद मैं ग्रीन कलर का आईलाइनर लगा लूँगी तो मैंने होडा ब्यूटी पैलेट में से सबसे पहले बनाना सेट पिक किया कंसीलर को सेट करने के लिए क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है नहीं तो बाद में क्रीज़ आ जाएगी सिर्फ आप अगर कंसीलर लगा के आई शेडो लगा लोगे तो, तो आई शेडो को सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अब इसी पैलेट में से मैंने यहाँ से इस सेट को पिक कर, करा हुआ है एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से और कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है तब तक ब्लेंड करना है जब जब तक आपको लगे ना कि आपका आई शेडो अच्छे से आपकी स्किन में मतलब ऐसे लगे कि आपकी स्किन के साथ आपका आई शेडो मैच कर रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए मतलब ऐसा कि हार्श लाइन विजबल हो ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए तो इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है देखिए एक सेप तक ही आपको लगाना है इसके बाद ब्लेंड कर लेना इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का आई लाइनर लगा रही हूँ आप चाहें तो ग्रीन कलर का आई शेडो भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर के आई लाइनर के ऊपर तो आपका ग्रीन कलर बन जाएगा काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो शेयर करूंगी ऐसे करके आ, मतलब मेकअप टिप्स कर करके ऐसा करके अगर आप बोलेंगे तब नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने मेरी दोनों आईज़ में लगा लिया सबसे पहले मैंने सेब बनाया इससे आई लुक काफ़ी उभर के आता है इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है आई थिंक वन ट्वेंटी रुपीज़ का है ये इसमें काफ़ी कलरफुल आई आपको मिल जाएंगे तो ग्रीन कलर मैं यहाँ से ले रही हूँ और ये काफ़ी पिगमेंटेड भी है डार्क ग्रीन है सो so, इसकी हेल्प से मैं विंग बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना बस इसके बाद मैं सीज लगा लूँगी तो टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो सीज भी स्किप कर सकते हैं मस्कारा लगा सकते हैं बट मस्कारा लगाना मुझे उतना ज़्यादा सच बताऊँ तो नहीं पसंद है आप अक्सर देखते होंगे कि मैं मेरे वीडियोज़ में मस्कारा स्किप कर देती हूँ लेकिन जब आप लोग बोलते हो कि दी आप मस्कारा नहीं लगाते हो तब मैं लगाती हूँ सो कुछ इस तरीके से मैं इस आइज़ में भी आई लगा ले रही हूँ काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी मिस्टेक एक आइज़ में हो जाता है एक आइज़ में मिस्टेक हो जाती है तो मुझे भी टाइम लगा है अगर आप मेरे पहले के वीडियोज़ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं सीख रही थी और यूट्यूब पर डाल रही थी ऐसा था कि मैं कुछ मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता था यहीं यूट्यूब से ही सीखा हुआ है और यहाँ पर मैं नहीं बोल सकती कि मैं प्रो हो गई हूँ प्रो भी नहीं हूँ बट हाँ ठीक ठाक कर लेती हूँ मेकअप और मेरी जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं आप लोगों को पसंद आती हैं इसीलिए आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हो मेरे मेकअप वीडियोज़ बाकी मैं नहीं बोल सकती कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं प्रो हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने यहीं से सीखा हुआ है जो कुछ भी सीखा यूट्यूब से ही सीखा ब्लस के लिए मैं यहाँ पर नायका का ब्लस लगा रही हूँ ब्लस की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगी क्योंकि मैं सेटिंग स्प्रे डालूंगी तो ये ब्लेंड हो जाएगा जब भी आप ब्लस लगाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगाएँ क्योंकि ब्यूटी ब्रश मेकअप सेटिंग स्प्रे डालने के बाद जब आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश ब्रश से तो नहीं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से जब आप ब्लेंड करते हो तो वहाँ से वो काफ़ी कम हो जाता है इसके बाद अब मैं यहाँ पर नायका का ही हाइलाइटर ले रही हूँ नायका का हाइलाइटर नायका का ब्लश काफ़ी अच्छा है ये कोई भी पेड़ या इन स्पॉन्सर नहीं है इसको मैंने मेरे पैसे से ख़रीदा हुआ है लखनऊ का ये जो नायका का नहीं है इनका वहीं से जाके मैंने लिया हुआ था तो मैं जब भी पहली बार कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं मेक श्योर sure करती हूँ कि मैं पहले चली जाऊँ वहाँ पर जहाँ पर इनका आउटलेट होता है वहाँ से जाके देख लूँ इसके बाद लूँ क्योंकि ऑनलाइन में भी मिस्टेक हो जाए कलर मिस्टेक हो जाए और मेकअप की जो चीज़ें हैं उन पर रिटर्न भी नहीं होता है सो इसलिए अब मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का ड्यू ड्यूई सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ इसकी हेल्प से मैंने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लिया एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर मैं रेट्रोमैट लिक्विड लिपस्टिक फील सो ग्रैंड सेड यूज करी ये काफ़ी प्यारा सा रेड कलर है तो ये पूरे लुक के ही लुक को ही चेंज करती है काफ़ी लॉन्ग स्टे भी करता है इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ काफ़ी सारी लिक्विड लिपस्टिक ऐसी आती हैं जो रेंज uh, में ज़्यादा होती हैं लेकिन उसे लगाने के बाद लिप काफ़ी ड्राई ड्राई सी होते हैं एक लिपस्टिक का बता दूं एक ब्रांड का सुगर की जो लिक्विड लिपस्टिक नहीं आती थी पाँच सौ रुपए की चार सौ निन्यानवे वाली वो इतना ज़्यादा ड्राई कर देती थी मेरे पास काफ़ी सारी लिप सेड है उनकी लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम थी मैं मेरे अक्सर वीडियोज़ में बोलती थी अब मैं यहाँ पर काजल लगा रही जो कि लोरियाल का काजल है इसको अच्छे से मैंने लगा लिया वाटर लाइन पर थोड़ा सा ही इसके बाद मैं मेरी ज्वेलरी पहनूंगी हेयर स्टाइल कुछ खास नहीं करूंगी बस ऐसे ही है और सिंदूर लगा लूंगी फॉल्सीज अच्छा हाँ मैं फॉल्सीज़ लगाना भूल गई हूँ तो मैं फॉल्सीज़ भी लगा लूंगी सो so, फॉल्सीज़ के लिए मैंने यहाँ पर नायका की फ़ॉलसीज़ एम सेवेंटी टू यूज की हुई है सो so, इसकी हेल्प से अच्छे से और ये अफोर्डेबल है ओनली वन नाइन्टी फाइव रुपीज़ की है तो अगर आप चाहते हैं तो वह चेक कर सकते हैं अगर आपको फॉलसीज चाहिए वैसे ये भी वन नाइन्टी फ़ाइव कोई बहुत ही अफोर्डेबल नहीं है आप चाहें तो काफ़ी सारे ऐसे फॉल्स ही जाते हैं जो आपको वन में काफ़ी पेयर मिल जाएंगे अगर आप बिगनर हैं तो मेक श्योर sure कि आप वही ट्राई करें या फिर अपने लोकल मार्केट से दस रुपए बीस रुपए में मिलने वाली ट्राई कर सकते हैं सो ये रहा मेरा फाइनल लुक कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर आज के लिए बस इतना आप दीजिए इजाजत मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस लव यू ऑल वाइस यू सून लॉट्स ऑफ लव वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सेकंड टाइम बोल रही हूँ अगर नहीं अच्छा था थर्ड टाइम बोल रही हूँ अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें और ढेर सारा कॉमेंट करें मैंने फेक नेल भी लगा लिए ज्वेलरी पहन ली कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मिलती हूँ बाय फ्रेंड्स लव यू